नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर कक्षा 10 का देखेंगे। ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मॉडल पेपर है और ये यूपी बोर्ड के वेबसाइट से अपलोड किया गया जो है ये मॉडल पेपर है। तो इसलिए ये जो है 2023 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है। ऐसे ही जो है आपका जो है पेपर आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में अ और ब में विभाजित होगा। खंड अ में जो है 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनका उत्तर ओ एम आर सीट पर जो है दिया जाना है। ओ एम आर सीट पर जो है उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग न करें। तो ओ एम आर सीट को जो है सावधानीपूर्वक भरना है आप लोगों को, और आप लोग ब्लैक पेन का ही यूज कीजिएगा। और स्पेशल में जो है पेन आता है ओ एम आर सीट भरने के लिए, आप लोग मार्केट में जाएंगे पूछेंगे स्टेशनरी के दुकान पे, तो ओ एम आर सीट भरने के लिए मोटा पॉइंट वाला पेन जो है आता है, आप लोग को दिखा भी देते हैं हम। आप लोग इस टाइप का जो है पेन यूज कीजिएगा जिसका नोक जो है काफ़ी जो है चौड़ा है, ठीक है, मतलब काफ़ी मोटा इसका जो है चौड़ा है, ठीक है। तो इस टाइप का मैंने स्पेशल ये जो है पेन आता है ओ एम आर सीट भरने के लिए, तो इस टाइप के पेन का जो है आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है। ओ एम आर सीट काफ़ी सावधानीपूर्वक भरना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिए ये जो है 1 से 2 बार में ही आपको जो है गोला कर देगा ये, ठीक है, बहुत जो है जल्दी इसे गोला हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पेन का आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका, तो इसलिए आप लोगों को जो ओ एम आर सीट को सावधानीपूर्वक भरना है। खंड ब 50 अंक का होगा और खंड अ जो आपका 20 अंक का होगा, पता ही हो गया, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए जो है दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सब है, तो इन मॉडल पेपर का हम लोग जो है पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप लोग जो है कहीं जाइएगा मत और वीडियो को जो है फुल देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है खंड अ में आप लोग देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो खंड अ में जो है पहला है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। तो 1815 में वियना संधि से संबंधित है आपका जो है नेपोलियन, ठीक है। तो नेपोलियन ब सही होगा, यानी कि ए बी सही होगा, यानी कि इसमें ब है, ठीक है। और विकल्प के लिए आपको ए बी करके देगा, ठीक है, देख लीजिएगा कैसे दे रहा है विकल्प, ठीक है। इसके बाद से दूसरा है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। तो सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व संप्रदायों को समान जो है प्रतिनिधित्व दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो है 100 आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। तो ये है महामंदी के कारण, 1928 से 1934 के बीच जो है महामंदी जबरदस्त चला था, उसी समय जो है विश्व युद्ध हुआ था, तो जिसके चलते जो है महामंदी आई हुई थी। चौथा है, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये जो है अमेरिका में स्थित है। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो ये है कठोर संविधान। ये छठवां है, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। तो सामाजिक विभाजन का कारण अ और ब दोनों हैं, धर्म और भाषा, ठीक है। सातवां है, यह यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उनका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। तो ये जो है सातवां क्वेश्चन का अ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आठवां है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। तो ये जो है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस से हुआ था, इसका ब विकल्प सही होगा। नौवां है, ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको जो है माना। तो हमारे सामाजिक जो है सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन जो है जुसेपे मैसिनी थे,
ठीक है, ये दो डी सही है आपका, दो। इसके बाद से दसवां है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्था से अच्छी है क्योंकि यह जो है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। यानी कि इसका जो है विकल्प सी सही है, यानी कि स सही है। ठीक है, इसके बाद से मृदा किस प्रकार का जो है प्राकृतिक संसाधन है, तो जो है नवीकरणीय संसाधन है ये, ठीक है ना। इसके बाद से निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है, तो जो अधिक सिंचाई। ठीक है, उसके बाद से भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है, तो केरल में। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो उद्यम का जो है स्वामित्व के आधार पर, उद्यम का जो है स्वामित्व के आधार पर जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को जो है वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद से 15 नंबर का क्वेश्चन है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। भूक्षरण का मतलब भूमि की ऊपरी परत हट जाना, तो भूमि का उपजाऊ अनुपजाऊ हो जाना, भूक्षरण से भूमि क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। यह है गोंडवाना कोयला का उमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, तो जो है कोयला का उमाव जो है चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। 17 है, भूमिहीन जो है ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो है विकास का लक्ष्य कौन सा है, तो जो है अधिक मजदूरी है। इसके बाद से 18 नंबर है, निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का जो है लक्षण नहीं है, तो ये विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो भूतापीय ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसके बाद से जो है 20वां है, वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये जो है सब प्रभाव पड़ा, यानी कि आपका लास्ट विकल्प उपरोक्त सब है, सभी हैं। ठीक है, यानी कि डी सही है। तो इस प्रकार आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया। आगे देखते हैं वर्णात्मक प्रश्नों का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए वर्णात्मक प्रश्न में जो है एक है, लगभग 80 शब्दों में उत्तर देना है, 4 नंबर के प्रश्न होंगे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, या 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को समझाइए। ठीक है, समीक्षा कीजिए। तो ये जो है क्वेश्चन का जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब यहाँ पे है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारण निम्न है। पहला जो है क्या है, तो औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका और ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य किया गया। 1920 तक जो उत्पादित माल का भंडार इतना अधिक हो गया कि कोई खरीदार न रहा। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन की समस्या बनी हुई थी, उत्पादन की कीमतें गिरने लगी, तब किसानों ने अपनी आयु बढ़ाने के लिए उत्पाद जो है बढ़ाया, परंतु इससे जो है कीमतें और गिर गई, कृषि उत्पाद बड़े पड़े पड़े सड़ने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो है संकट से जो है पहले कई देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपने जो है निवेश संबंधित आवश्यकता को पूरा किया था। उस समय जो है अमेरिका से कर्ज लेना आसान था, परंतु संकट के समय अमेरिका ने कर्ज देना बंद कर दिया। इसके बाद से है अमेरिकी बाजार में शेयरों की कीमतें जो है तेजी से जो है गिरने लगी, कई व्यापारियों का जो है दिवाला निकल गया। ये सभी कारण महामंदी के ही थे। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए, या जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो ये जो है सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र की, मना इसमें से या तो ये इसे कीजिए या तो जाति वाला कीजिए, तो हम सत्ता की साझेदारी वाला जो है किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वास्तव में सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 अंक का है।
वास्तव में सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन के अंतर्गत आते हैं उनके बीच सत्ता को जो है बांटा जाता है। लोकतांत्रिक शासन का जो है गठन तब होता है जब कई समूह मिलकर जो है अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन में जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब हो गया। इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा हम आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का जो है मत स्पष्ट कीजिए, या परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका भी जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आप लोग देख पा रहे होंगे, परिवहन तथा संचार किसी देश की जो अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा कहे जाते हैं, क्योंकि जो है किसी भी देश के विकास के लिए जो है वस्तुओं का उत्पादन के साथ साथ जो है उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना जो है बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसलिए जो है मतलब माल का ले जाना ले आना या किसी भी चीज़ का ढोना जो है रास्तों का होना बहुत ज़रूरी है, संचार का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको जो है जीवन रेखा कहा जा रहा है। भारत अपने विशाल भाग भाषाई विभिन्नता तथा अनेक अनेक जो है सांस्कृतिक जो असमानताओं के बावजूद जो है यहाँ पे देख सकते हैं असमानताओं के बावजूद संचार एवं परिवहन द्वारा जो है जुड़ा हुआ है। परिवहन तथा संचार के माध्यम से आयात निर्यात में वृद्धि हुई है। परिवहन तथा संचार के साधनों का जो है महत्व युद्ध के समय अत्यधिक बढ़ जाता है। युद्ध के समय जो है सैनिकों को गोला बारूद तथा रसद पहुंचाया जाता है। तो ये सभी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने ये जो है सभी जो है संचार के साधनों के महत्व के जो है बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती है, विवेचना कीजिए, या अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों का संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो इसमें से कोई कर देना है, आप लोग सभी क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको विद्या क्वेश्चन बैंक में या अवतार में। ठीक है, तो चलिए अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों का संक्षेप में विवेचना करते हैं। ठीक है, अच्छे बाजार के लिए नहीं बताया गया है, इसमें जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बताया गया है। तो देखिए इस लड़के ने जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में लिखा है, ठीक ही लिखा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों के उत्पादन लागत कम करने के लिए निम्न उपाय करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन के लिए जो एक बार अधिक जो है निवेश करके अधिक उत्पादन करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन के लिए जो है एक बार में अधिक कच्चा माल जो है खरीदती है ताकि उत्पादन लागत कम हो सके। ठीक है, वैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर बाजार पर जो है नियंत्रण स्थापित करती है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5वां का जो है उत्तर जो है क्या है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 5 क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्नोत्तर नंबर है 5 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, या सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्या जवाब मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने जो है कांग्रेस ने जो 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन चलाने का जो है नेतृत्व किया था। ये जो है पहले क्वेश्चन महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इन्हें क्यों स्थगित कर दिया गया, इसी का जो है जवाब इन्होंने दिया है। ठीक है, तो कांग्रेस में जो 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, निर्णय लिया गया, यह एक जो है सक्रिय कार्यवाही थी। अब तक गांधी जी अंग्रेजों की जो है न्यायप्रियता पर विश्वास रखते थे तथा उन्हें अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध में जो है साथ दिया था, परंतु जो है जलियांवाला बाग नरसंहार पंजाब में जो है मार्शल लॉ तथा हंटर कमेटी की जांच ने गांधी जी का जो है विश्वास अंग्रेजों से उठा दिया। और उधर जो है तुर्की तथा मिस्र राष्ट्रों में जो है सेवर्स की जो है संधि के कठोर शर्तों से जो है मुसलमान रुष्ट थे। पूरे देश में अंग्रेजों के प्रति जो असंतोष था, गांधी जी ने मुसलमानों के जो है खिलाफत आंदोलन में जो है उनका साथ दिया तथा असहयोग आंदोलन छेड़ने का जो है विचार रखा। ठीक है, विचार रखा, और गांधी जी को जो है विश्वास था
कि जो है इस आंदोलन के साल भर के जो है भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। सितंबर 1920 में जो है कलकत्ता में लाला लाजपत राय की जो अध्यक्षता में गांधी जी ने इस आंदोलन का प्रस्ताव रखा। सी आर दास जो है, एनी बेसेंट, जिन्ना और जो है मालवीय जी ने जो है इसका विरोध किया, परंतु दिसंबर 1920 में कांग्रेस के एक नियमित जो अधिवेशन में इस जो है प्रस्ताव को जो है मान लिया गया। इस आंदोलन का भारतीयों पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा। बालकों ने स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया। गांधी जी ने जो है केसरे ए हिंद का जो है खिताब त्याग दिया। 1921 में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स के जो है भारत आगमन पर आंदोलन रखा गया। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को जो है दबाने के लिए दमन चक्र चलाया, चमन नहीं है, दमन चक्र चलाया। गांधी जी को जो है छोड़कर जो है कांग्रेस के जो है सभी नेताओं को जो है गिरफ्तार कर दिया गया। चौरी चौरा की एक अप्रिय घटना जो है के कारण 1922 में गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है आपका जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के यही कारण थे, और इसे इसी कारण जो स्थगित भी कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 60वां क्वेश्चन देख सकते हैं, लोकतांत्रिक सुधार क्या 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 अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं चार कदमों का उल्लेख कीजिए, या वैध शासन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, वैध शासन जो इन्होंने लिखा है, वह शासन जो नियमों का पालन करती है तथा जो है सबकी जो है सहमति से बनी होती है, उसे वैध शासन कहते हैं। लोकतंत्र उत्तरदायी जिम्मेदार तथा वैध सरकार का जो है गठन करता है। इसे निम्न जो है बिंदुओं द्वारा जो है समझा जा सकता है। पहला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। हर लोकतांत्रिक जो है देश में जो है एक निश्चित अवधि के बाद जो है चुनाव कराया जाता है। सभी दल जो है स्वतंत्र रूप से जो है अपने जिम्मेवार जो है खड़ा करती है, और सभी लोग जो है स्वतंत्र रूप से जो है मतदान करते हैं। कानूनों पर जो है खुली चर्चा होती है। सभी लोकतांत्रिक जो है देश में जो है किसी भी जो है कानून पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, तब उसे जनता के जो है समक्ष रखा जाता है। ठीक ही लिखा है। सूचना पाने का जो अधिकार, किसी भी जो है लोकतांत्रिक देश में नागरिक को जो है सूचना पाने का अधिकार है। अगर अगर जो है क्या अगर जो है कोई नागरिक यह जानना चाहता है कि जो है कोई फैसला लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं। इसके बाद से है जवाबदेह सरकार का गठन। हर लोकतांत्रिक देश में ऐसी सरकार होती है जो उस देश के जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है, बस इतना लिख देना है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 7 में देखिए क्या कह रहा है, वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए, या भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए अनाजों की पैदावार के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो 7वां में देखिए क्या है, वैश्वीकरण लिखा है इन्होंने। वैश्वीकरण एक ऐसी जो है व्यवस्था है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश द्वारा किसी अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जो है जोड़ा जाता है। इससे इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां तब जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं, और तब वे अपनी इकाई को जो है देश में स्थापित करती हैं। वैश्वीकरण का जो है कृषि पर प्रभाव, इसका जो है कृषि पर जो है प्रभाव निम्नलिखित है इसका जो है कृषि पर प्रभाव निम्नलिखित है। एक ओर जो है भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य प्रतिस्पर्धा से जो है प्रतिस्पर्धा का जो है सामना जो है कर पा रहे हैं, और दूसरी ओर क्या हो रहा है, तो दूसरी ओर देखते हैं, तो दूसरी ओर कृषि उत्पादन की लागत में जो है लागत में बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि उन्हें हर जो है साल नई बीज उर्वरक तथा अन्य इनपुट खरीदना पड़ता है। इनसे जो उत्पादन तो बढ़ा है, परंतु जो है बाजार की खाद्यान्न आपूर्ति भी जो है बढ़ी है। हरित क्रांति के बाद जो है श्वेत क्रांति, नीली क्रांति तथा जो है पीली क्रांति आई, जिससे जो है दूध उत्पादन, मछली तथा तिलहन का उत्पादन बढ़ा है। बस इतना लिख देना है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है क्या कह रहा है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव में के जो है शिकार हैं, क्या आप इस जो है कथन से सहमत हैं, या मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। तो इसको भी देख लेते हैं। 8वां है मानव विकास सूचकांक क्या है, इन्होंने लिखा है। तो मानव विकास सूचकांक यह एक ऐसा जो है मापदंड है जिसके द्वारा जो है विभिन्न देशों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धि के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ इस जो है मापदंड द्वारा विभिन्न देशों के आर्थिक स्तर का जो है निर्धारण करती है। मानव विकास नापने के तीन प्रमुख जो है अथवा उपाय जो है निम्न है। पहला है, देख सकते हैं, दीर्घ आयु, शिक्षा तथा ज्ञान और जीवन स्तर। तो जो है दीर्घ आयु में देखिए, किसी देश में जो है जीवन प्रत्याशा अधिक होती है, वह जो है विकसित देश की जो है श्रेणी में आता है। केवल जो है दीर्घ आयु ही नहीं, बल्कि जो है स्वास्थ्य जीवन भी जो है विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा तथा ज्ञान, जिस देश में जो है साक्षरता दर अधिक होती है, वह अधिक विकसित होते हैं। एक साक्षर व्यक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जीवन स्तर, जिस देश में जो है प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, वह विकसित श्रेणी में ऊंचे स्थान पर जो है आते हैं, क्योंकि वह अपने विश्व के साथ अच्छा जो है जीवन स्तर भी बनाते हैं जो विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो गया। 8 ही क्वेश्चन थे। इसके बाद से अब हम लोग देखेंगे मानचित्र कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मानचित्र कार्य के लिए जो है 9वां क्वेश्चन है क, और 9वां का ख भी है। तो दो जो आपको मानचित्र कार्य करने हैं, और आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में दो मानचित्र मिलेंगे। और ये दो दोस्तों, ये मानचित्र वाला कार्य आपका 100% यूपी बोर्ड एग्जाम में यही आ रहा है। ठीक है, तो इसको ज़रूर भर लीजिए आप लोग। ठीक है, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो है क्या कह रहा है मानचित्र कार्य में, देखिए 9वां का क आपका मानचित्र के लिए होगा। निम्न के स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा, खाली बिंदु चिन्ह द्वारा जो है नाम सही दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु 1/2 आधा आधा अंक जो है आपको मिलेगा। ठीक है ना, सही नाम और सही चिन्ह देंगे तो। ठीक है, तो ये जो है सही नाम और सही चिन्ह सहित भरना है। तो क दिया है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग जो है लिख लीजिएगा, अमृतसर में हुआ था। तो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह क्या है, तो अमृतसर है। नक्शा में दिखाना है, तो पहले इन सब का जवाब लिख दीजिएगा आप लोग नक्शा पे या कापी पर लिख दीजिएगा। ठीक है, नक्शा पे लिखना सही नहीं रहेगा, कापी पर लिखिएगा। ठीक है, जिस पेज पर आप इसको करेंगे उस पे जो है लिख दीजिएगा, उसके बाद से जस्ट नक्शा भर दीजिएगा। ठीक है, नक्शा भर दीजिएगा, तो वैसे वो जान भी जाएंगे कि वो स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। खाली भर देंगे नक्शा तो वो काम चल जाएगा, इसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, नंबर उतना ही मिलेगा, क्योंकि नक्शा पर ही दिखाना है। तो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में हुआ था। वह स्थान अभी इसका जो है मैप में भी दिखाते हैं कहाँ पे है अमृतसर। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक जो है बनाना प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ कहाँ पे किया था, डांडी से किया था। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, वह जो है चंपारण बिहार में था। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह कहाँ किया, सबका सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। ठीक है, खेड़ा किसान सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग कांड हुआ था। चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन हुआ था। डांडी में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इसको लिख के याद कर लीजिएगा पक्किया। ठीक है ना, यही जो है आने वाला है इस साल भी। ठीक है, तो इसको पक्का याद कर लीजिएगा। और इसको कैसे भर देना है, तो मानचित्र कार्य में हम आप लोग को दिखा भी देते हैं ये सब कैसे भरा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, देख भी रहे होंगे। यहाँ पर देखिए अमृतसर है, जलियांवाला बाग कांड, चंपारण में किसान विद्रोह हुआ था, चौरी चौरा जो कांड हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, आपको नक्शा दिया जाएगा और नक्शा के हिसाब से आपको ये चिन्हित करना रहेगा कि अमृतसर यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे चंपारण है, यहाँ पे चौरी चौरा है, बिंदी द्वारा दिखाना है। फिर अहमदाबाद में जो है यहाँ पे अहमदाबाद है। ठीक है, अहमदाबाद। ठीक है, इसके बाद से खेड़ा है, इसके बाद से बारडोली है, डांडी है, ये सब जो है आपको जो है मिल जाएगा नक्शा में। ठीक है, तो नक्शा में दिखा देना है ये। ठीक है, बस आगे देखते हैं। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो है केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प रूप में दिए गए हैं। तो ये जो नीचे दिए गए हैं ये दृष्टि बाधितों के लिए है, तो आपको इसको नहीं करना है, केवल आपको नक्शा भर देना है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग नक्शा भर दीजिएगा। ठीक है, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1920 में, दिसंबर वाला, तो दिसंबर वाला जो है आपका
अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर वाला, देख सकते हो स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो जितना अधिवेशन हुआ है ये नागपुर में हुआ था, दिसंबर वाला अधिवेशन नागपुर में हुआ था, ठीक है। तो नागपुर में ये हुआ था, ठीक है ना, नागपुर में 1920 में हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं नागपुर में 1920 में जो है अधिवेशन हुआ था। तो सभी अधिवेशन यहाँ पे जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये वाला पेज पे इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय वाद 1918 से 1900 जो है 30 तक का है। कलकत्ता में दिसंबर सितंबर 1920 में, नागपुर में दिसंबर में हुआ था, मद्रास में 1927 में हुआ था, ठीक है। यही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास जो है 1927, और जो है सितंबर 1920 कलकत्ता में जो है हुआ था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं नौवा का जो है मानचित्रकार है, नौवा का ख दूसरा मानचित्र पे इसको करना रहेगा आप लोगों को। तो दूसरा मानचित्र पे इसको भरना है। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह द्वारा जो है दिखाना है, तो ठीक है। पश्चिम बंगाल का कोई उद्यान है उसको जो है दिखाना है आपको जो है इस चिन्ह द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद से नर्मदा नदी पर बना बांध जो है इस चिन्ह द्वारा दिखाना है, ठीक है। जैसे चिन्ह दिया है वैसे जो है दिखा देना है। महानदी पर जो इस चिन्ह द्वारा, और झारखंड पर जो है कोयला जो है क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दिखाना है, और भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग को दर्शा दिए हैं हम, ठीक है। कह रहा है कि पहला जो है पश्चिम बंगाल का एक उद्यान जो है क्या है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल का जो है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसके बाद से जो है दूसरा है नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध जो है इस चिन्ह द्वारा। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, ठीक है। तो ये सरदार सरोवर बांध है जिस चिन्ह द्वारा दिखाने को कहा है, यहाँ पे हमने चिन्ह बना दिया है। इसके बाद से जो है नर्मदा नदी पर इस चिन्ह द्वारा जो है नाम सही, तो नर्मदा नदी पर जो है ये छत्तीसगढ़ में है महानदी एक बांध बनाया गया है, महानदी इस चिन्ह द्वारा, महानदी यहाँ पे है तो ठीक है, इस चिन्ह द्वारा ऐसे जो है काट दिया गया है, ऐसे वाई तरह बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे जो है बस चिन्ह बना के छोड़ देना है, ऐसे दिखा देना है महानदी छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे है झारखंड का एक कोयला, तो झारखंड में त्रिभुज से दिखाना है। तो झरिया जो है झारखंड का झरिया है, खाद्यान्न कोयला उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये त्रिभुज से दिखा देना है। आप भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है, तो पूर्वी तट पर जो है पारादीप एक पत्तन है उड़ीसा में है, तो इसको आयत चित्र से दिखा देना है। बस हो गया, ये आपका फाइनल नक्शा भी हो गया। इसको जरूर देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, नक्शा में खाली भर लीजिएगा ताकि जो है आपको जो है परीक्षा में दिक्कत ना हो, क्योंकि यही नक्शा आपको परीक्षा में भरने के लिए 100% आएगा, ठीक है ना। 100% गारंटी है कि ये दोनों नक्शा आपको भरने के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम में इस साल दे रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।